आज मैं आपको देने जा रहा हूँ टॉप 10 बेस्ट इलास्टिक मोड्स ऑफ पॉकेट एडिशन। सारी मोड्स एक से एक बढ़ के और सारी का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्सचर देने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप शेडर के साथ यूज करेंगे तो भाई आपका गेम प्ले एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इलास्टिक मॉब्स एडन फॉर MCPE। अब ये एडन आपके बेकार से दिखने वाले एनिमल्स को चेंज कर देता है और उन्हें दे देता है एक बहुत ही ज्यादा प्यारी लुक। भाई सारे एनिमल्स बहुत ही ज्यादा डिटेल हो गए इस एडन में। सबसे ज्यादा डिटेल तो मुझे ये बी लगी। और भाई पैरेट्स के भी टेक्सचर कुछ कम नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए इस एडन से। हाँ वो बात अलग है कि डेवलपर ने शीप का टेक्सचर चेंज करना ही भूल गया। मगर क्यों? अब आपको तो पता ही है सारे मॉब्स के मरने का एनिमेशन कुछ ज्यादा ही बेकार है, पर इस मोड को लगाने के बाद आपके एनिमेशन बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे। जिस भी मॉब को आप मारोगे उसके डेथ होने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। और मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया तो इस स्केलेटन का लगा। वैसे बी का भी टेक्सचर कुछ कम नहीं है। इसके मरने के बाद ये जमीन पर ड्रॉप हो जाती है एंड इससे अब आप फुटबॉल खेल सकते हो जैसे आप स्कूल में पड़े हुए कैन से खेलते थे। कुछ मॉब तो मरते ही सीधा आसमान में चले जाते हैं और भाई इन्हें ऊपर जाते देख तो बहुत ही ज्यादा अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। वैसे ज़ॉम्बी के भी टेक्सचर्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गए हैं एंड ये मरने के बाद एक बार अपना सर उठाता है और भाई इसे देख के तो सिर्फ मैंने एक ही चीज बोली। वेल, अगर आपको मोड्स एंड एडन से रिलेटेड वीडियोस देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, उसे जाके जरूर देखना। भाई उस वीडियो में मैंने 20 एडन से इंस्टॉल किया था पॉकेट एडिशन में, जिससे मैंने अपने गेम को बहुत ही ज्यादा बढ़िया बना दिया था। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब आपको तो पता ही है जावा एडिशन का एक मोड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, आइटम फिजिक्स मोड। अब ऐसा मोड जल्दी पॉकेट एडिशन के लिए मिलता नहीं है तो ये बहुत ही ज्यादा खराब बात है। मैं गरीब हूँ। लेकिन काफी देर YouTube के सर्च करने के बाद फाइनली मुझे मिल गया आइटम फिजिक्स मोड फॉर MCPE। यार अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स में देखें तो इसके टेक्सचर तो भाई माइनक्राफ्ट जावा एडिशन वाले से भी ज्यादा बेटर है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? पैसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें जो 3D लुक देखने को मिलता है वो जल्दी और किसी मोड में नहीं मिलता। अगर आप ढेर सारा सामान एक ही जगह गिराते हो एंड उसे मूव करते हो तो कुछ इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा एपिक लगता है। अगर हम लोग बात करें रियलिस्टिक मोड की और उसमें फर्नीचर मोड ना आए तो भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। डोंट वरी, ये कोई ऐसा वैसा फर्नीचर मोड नहीं है। इस फर्नीचर मोड में आपको 150 से 2000। झूठ बोलो। अरे मतलब 150 से 200 अलग अलग फर्नीचर देखने को मिलेंगे जिसे आप अपने वर्ल्ड में यूज कर सकते हो अलग अलग जगह। सारी फर्नीचर 3D होने वाले हैं और भाई इनका जो यूज है ना वो मैं आपको क्या ही बताऊं। जैसे कि ये टेबल, अगर आप 2-3 टेबल को एक साथ लगाओगे तो ये सब एक बड़ी टेबल बन जाएंगी। अगर आप अलोन में लगाओगे तो ये एक छोटी टेबल रहेंगी। सारे फर्नीचर आपको 3D देखने को मिल जाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी आप शक मत कीजिएगा कि ये सब 2D रहेंगे। और कुछ टेबल को लगा के आप अपना इस तरह का रैक बना सकते हैं जिसमें आप सामान लगा सकते हैं। साथ में आपको एकदम वर्किंग चेयर देखने को मिल जाएंगी जिसका बैठने का एनिमेशन बहुत ही ज्यादा सही है। वेल, इसमें आपको और भी बहुत ढेर सारी कस्टम चीजें मिल जाएंगी जैसे ये सब बच्चों के खिलौने जो कि आप टच करके खड़ा कर सकते हो और जिसे आप टच करके बैठा सकते हो। प्यारी समझ गई। अब आपको तो पता ही है कि माइनक्राफ्ट में कितने कम एनिमल्स देखने को मिलते हैं, पर अगर आप इंस्टॉल कर ले तो इस वाले मोड को तो भाई लिटरली ढेर सारे एनिमल्स ऐड हो जाएंगे ना, कि आप तो एक बार के लिए एक्सप्लोर करते करते ही परेशान हो जाओगे। एनिमेशन सारे एनिमल के बहुत ही ज्यादा एपिक है। थोड़ी सी फाइल साइज बड़ी है लेकिन यार जो भी कहो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। अब यार नॉर्मली चलने के लिए हम लोग के पास कोई भी बढ़िया साधन नहीं था, इसी नाते मैंने ऐड कर दिया बाइक सेडन को। वैसे तो ये स्कूटी है पर चलती एकदम बाइक की तरह है। अरे यार जो भी कहो ये चलती बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। सबसे अच्छा चीज तो मुझे इसका हॉर्न लगा और साथ ही साथ इसमें आपको एक छोटी सी इन्वेंटरी भी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ ये डबल सीटर है, मतलब इसमें एक साथ दो लोग भी बैठ सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि मुझे कोई नहीं मिला तो मैंने सीली को बैठा लिया, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम भी एक से डबल हो ही जाएंगे। अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हो और आपने बैटल क्राफ्ट एडन को नहीं ट्राई किया तो यार क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसे ट्राई करो। ये एडन ऐड कर देता है बहुत ढेर सारी गन्स आपके पॉकेट एडिशन में और भाई इन सारी गन्स का साउंड इफेक्ट हो गया, चाहे उनका एनिमेशन हो गया, सब एकदम एपिक है। अब आप में से बहुत लोगों ने इस एडन को पहले तो ट्राई किया ही होगा, लेकिन यार आप लोगों को मैं इस नाते ही दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि अब ये अपडेट हो चुका है जिसमें रीलोडिंग सिस्टम भी आ गया है। लिटरली ये इतना ज्यादा बढ़िया मोड है ना कि इससे आप दूर के साथ साथ पास के भी सारे मॉब्स को बहुत ही ज्यादा इजीली
गोली मार लोगे, क्योंकि इसमें जो स्नाइपर राइफल है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से काम करती है। और अगर बात करें हम लोग आरपीजी की तो काफी लेवल का डिस्ट्रक्शन कर देती है, और इसके नेड फेंकने का जो एनिमेशन है वो सबसे ज्यादा एपिक है। अब अगर माइनक्राफ्ट में आपको वाटर एक्सप्लोरेशन करना है तो आपके पास बस यही सलाई बोट ही मिलती है, जिसमें ना ही आपको आपका प्राइवेट स्पेस मिलता है ना ही कोई और एडिशनल फीचर, बस ये धीरे धीरे चलती और कभी भी टूट सकती है। अरे नूब, तुम इतना तो सीख के आओ, 1.19 अपडेट के बाद हम लोग की बोट्स में चेस्ट लग जाएंगी और साथ ही साथ फर्निस भी। अरे हाँ, तो ये बात तो मुझे भी पता है, मैं खुद ही माइनक्राफ्ट का यूट्यूबर हूँ, मुझे यही नहीं पता रहेगा। तो सब पता होने के बाद फालतू कॉमेडी जोक्स क्यों मारते हो? वेल, इस आइटम को एक्टिवेट करने के बाद आपकी वर्ल्ड में आ जाएगी जेट स्की, और भाई इसकी स्पीड ओवर वर्ल्ड भी तो बहुत ही ज्यादा तेज है। नदर की बात करें तो नदर में पानी नहीं है तो ये क्या चलेगी। इसमें आपको इसकी खुद की छोटी सी इन्वेंटरी भी देखने को मिल जाती है, स्पीड काफी सही है और साथ ही साथ एनिमेशन एकदम रियलिस्टिक है। तो यार मान लो कभी आपको बहुत ज्यादा दूर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, मतलब ज्यादा दूर, तो आप इस जेट स्की तो कर नहीं पाओगे। इसी के लिए आता है हम लोग का प्लेन्स क्राफ्ट मोड। अब ये एक अकेला मोड आपके वर्ल्ड में ऐड कर देता है 8 से 9 अलग अलग तरह की प्लेन डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज। पहली तो ये हम लोग की वाटर प्लेन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज्यादा बढ़िया एनिमेशन से है ये, और भाई उड़ती भी बहुत ही ज्यादा मस्त है। इस एडन में आपको मिलिट्री जेट से लेके कार्गो प्लेन, जंबो प्लेन, प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। यार ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो की लिंक आ रही होगी, जल्दी से जाके देखो, उसी वीडियो में मैंने एकदम फुली डाउनलोडिंग प्रोसेस बताया इस एडन का। वैसे ये तो कोई एडन नहीं, ये एक टेक्सचर पैक है, और भाई ये टेक्सचर पैक आपके गेम के सारे ब्लॉक्स को चेंज कर देता है, उन्हें बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक बना देता है। अब अगर आप इसी टेक्सचर पैक को किसी शेडर के साथ यूज करते हो ना, तो भाई जो रिफ्लेक्शन मिलेंगे, जो ब्लॉक्स मिलेंगे ना, और आपका माइनक्राफ्ट एकदम नेक्स्ट लेवल बन जाएगा। तो यार वो वीडियो जाके जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा एपिक है। वैसे तो नहीं, मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्सचर पैक की बात कर रहा हूँ, टेक्सचर पैक बहुत ही ज्यादा एपिक है। तो बस फिर हम लोग मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। गुड बाय।